जय श्री श्याम दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, ये है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। आज हम जा रहे हैं चुलकाना धाम पानीपत। आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप दिल्ली से चुलकाना धाम मात्र 40 रुपए के खर्चे में कैसे पहुंचें। दिल्ली से चुलकाना धाम यात्रा की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, जो भाई लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। तो आइए दोस्तों, समय को न बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी दोपहर के दोस्तों 11:30 बज रहे हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 4 से हमारी ट्रेन जाएगी समालखा के लिए। समालखा रेलवे स्टेशन चुलकाना धाम की सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। दिल्ली से समालखा तक की मैंने जनरल टिकट ले ली है, जो मुझे 20 रुपये की पड़ी है। जैसा कि आप सामने वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों, ये है प्लेटफॉर्म नंबर 4 और ट्रेन दोस्तों लग चुकी है। दोस्तों ये पैसेंजर ट्रेन है, इसी ट्रेन की मैंने टिकट ली है, जो मुझे 20 रुपये की पड़ी है। पैसेंजर ट्रेन में दोस्तों सस्ता ही किराया रहता है। इस ट्रेन का नाम है दिल्ली पानीपत मेमो एक्सप्रेस और ट्रेन का नंबर है 045-83। अब मैं ट्रेन में बैठूंगा, फटाफट अपनी सीट ले लेता हूं दोस्तों। मैं पूरी ट्रेन दोस्तों खाली पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, ज़्यादा पैसेंजर नहीं है अभी इस ट्रेन में, क्योंकि दोस्तों ये ट्रेन दिल्ली से ही बनकर चलती है, इसलिए दोस्तों खाली है। ठीक 12 बजे दोस्तों ये ट्रेन अपने सही टाइम पर यहाँ से रवाना हो चुकी है। ये ट्रेन प्रतिदिन चलती है, इसी टाइम पर ठीक 12 बजे यहाँ से रवाना हो जाती है। यह ट्रेन दिल्ली के सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन, आज़ादपुर रेलवे स्टेशन, आदर्श नगर रेलवे स्टेशन, बादली रेलवे स्टेशन, खेरा कला रेलवे स्टेशन, होलम्बी कला रेलवे स्टेशन और नरेला रेलवे स्टेशन पर भी रुकती है। वहाँ से भी आप इस ट्रेन को पकड़ सकते हैं। सोनीपत गनौर होते हुए ये ट्रेन हमें समालखा रेलवे स्टेशन दोपहर के 1:41 पर पहुंचाती है। दिल्ली से समालखा की दूरी लगभग 70 किलोमीटर होगी। पैसेंजर ट्रेन में दोस्तों सफ़र करने का एक अपना अलग ही मज़ा है। आपका समय कब बीत जाएगा इस ट्रेन में आपको पता ही नहीं चलेगा। हमारी ट्रेन समालखा रेलवे स्टेशन पहुंच गई है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों। लगभग 20 मिनट देरी से ये ट्रेन यहां पहुंची है। अभी टाइम हो रहा है दोस्तों 2:01 हो रहे हैं, पर कोई नहीं दोस्तों, इतना लेट तो चलता है। आइए अब रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं। समालखा रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको कई सारे बैटरी रिक्शा मिल जाएंगे चुलकाना धाम के लिए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं सामने, कई सारे बैटरी रिक्शा यहां पर हैं। शेयरिंग में दोस्तों 20 रुपये किराया होता है इन बैटरी रिक्शा में। 15 से 20 मिनट में आपको बैटरी रिक्शे वाला समालखा रेलवे स्टेशन से चुलकाना धाम आसानी से पहुंचा देगा। बैटरी रिक्शे वाला आपको चुलकाना धाम के मेन प्रमुख द्वार के पास में उतार देगा, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं दोस्तों, ये चुलकाना धाम का मेन प्रमुख द्वार है। मंदिर परिसर के अंदर एक श्याम कुंड है, जैसा कि आप सामने वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों। ये वो पवित्र भूमि है जहां पर बाबा श्याम बर्बरिक जी ने अपने शीश का दान भगवान श्री कृष्ण जी को दिया था। यहां पर वो पेड़ भी मौजूद है, जिस पेड़ के पत्तों को बर्बरिक ने अपने एक बाण से सभी पत्तों में छेद कर दिए थे, जैसा कि आप वीडियो में सामने देख रहे हैं दोस्तों। ये वही पेड़ है जिस पेड़ के पत्तों को बर्बरिक ने अपने एक ही बाण से छेद कर दिए थे। आप भी दर्शन कर लीजिए इस पवित्र पेड़ के। यही वो स्थान है जहां पर बर्बरिक ने अपने शीश का दान भगवान श्री कृष्ण जी को दिया था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इस पेड़ के सभी पत्तों में छेद नज़र आएंगे। ये है खाटू श्याम जी का मंदिर। आइए मैं आपको मंदिर के अंदर ले चलता हूँ।
ये देखिए दोस्तों मंदिर के अंदर का नज़ारा। दोस्तों आप लोग भी दर्शन कर लीजिए खाटू श्याम जी के। कमेंट बॉक्स में बाबा श्याम के नाम का जयकारा जरूर लगा दीजिएगा। ऐसा करने से बाबा श्याम खाटू श्याम महाराज जी आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। दोस्तों अब वीडियो को मैं ही समाप्त करूंगा। इस वीडियो में मैंने आपको सभी जानकारी दे दी है कि आप दिल्ली से चुलकाना धाम 40 रुपये के खर्चे में कैसे पहुँचें, कहाँ पर हमारा कितना खर्चा हुआ है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से समालखा रेलवे स्टेशन तक का पैसेंजर ट्रेन में हमारा 20 रुपये खर्च हुए हैं, फिर समालखा रेलवे स्टेशन से चुलकाना धाम तक शेयरिंग बैटरी रिक्शा में 20 रुपये खर्च हुए हैं, दिल्ली से चुलकाना धाम पहुँचने में टोटल हमारे 40 रुपये खर्च हुए हैं। दिल्ली से चुलकाना धाम पहुंचने का मैंने आपको सबसे सस्ता और आसान तरीका बताया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी मेरे बताए हुए तरीके से सस्ते में और आसान तरीके से चुलकाना धाम पहुंच सकें। बाय बाय, अब मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।